किसी खूबसूरत चेहरे को देखते ही मुंह से निकल पड़ता है कि इसे ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है। हिंदी फिल्मों की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला के बारे में ये बात कही जा सकती है। मधुबाला ने हर तरह की फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का जलवा बिखेरा। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला को उनकी खूबसूरती के चलते वींस ऑफ हिंदी सिनेमा कहा गया। उन्हें लोग ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जानते थे। मधुबाला की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ चर्चे में रही। उनका नाम कई हीरो और डायरेक्टर्स के साथ जुड़ा। यूं तो उनका नाम दिलीप कुमार से काफी जुड़ा। उनसे प्यार और ब्रेकअप फिर किशोर कुमार के साथ शादी के चलते मधुबाला काफी लाइमलाइट में रही है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दिलीप कुमार से पहले मधुबाला एक्टर प्रेमनाथ को काफी पसंद करती थी। इस बात का खुलासा मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने बताया था कि मधुबाला ने एक बार प्रेमनाथ को प्रपोज कर दिया था। ये बात साल 1991 की थी जो फिल्म बादल में मधुबाला प्रेमनाथ के साथ काम कर रही थी। प्रेमनाथ को अक्सर फिल्मों में विलेन के रोल में देखा गया है। मधुर भूषण ने कहा था कि शूटिंग के पहले दिन ही मधुबाला ने प्रेमनाथ के मेकअप रूम में घुसकर उन्हें प्रपोज कर दिया। उन्होंने एक्टर को लव लेटर और फूल देकर प्रपोज किया। प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि ये सब क्यों हो रहा है। वह मधुबाला का लेटर देख सक पका गए। प्रेमनाथ ने जब लेटर खोला तो उसमें लिखा था, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज ये गुलाब का फूल स्वीकार कर ले, वरना ये मुझे वापस कर दे। लेटर पढ़ते ही प्रेमनाथ के होश उड़ गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला उन्हें प्रपोज कर रही है। उन्होंने मधुबाला के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ समय बाद मधुबाला ने प्रेमनाथ से दूरी बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे ये रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। कहा जाता है कि प्रेमनाथ ने उनके प्यार की कदर नहीं की। बिना राय प्रेमनाथ की लाइफ में आई तो उन्होंने मधुबाला को छोड़कर बिना राय से शादी कर ली, जिस वजह से मधुबाला का दिल टूट गया। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। इस बारे में खुद प्रेमनाथ की बीवी बीना ने बताया था। कहते हैं मधुबाला ने प्रेमनाथ का धर्म बदलाकर शादी करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन एक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ 6 महीने के लिए चल पाया। कहा जाता है कि मधुबाला ने उनसे ये तक कह दिया था कि तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, इस प्यार के लिए तुम भी तरसोगे। प्रेमनाथ की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी और फिर वह शराब में चूर रहने लगे। जब ये बात मधुबाला को पता लगी तो उन्होंने प्रेमनाथ को कसम दी थी कि वो शराब नहीं पिए। बताया जाता है कि मधुबाला ने कह दिया था, शराब पीने से अच्छा है मेरा खून पी ले, और उनकी ये बात दिल को छू गई। कहते हैं कि इसके बाद प्रेमनाथ ने 14 साल तक शराब नहीं पी। बता दें, मधुबाला को दिल की एक रेयर बीमारी थी जो समय के साथ बढ़ती गई। उनके सिर्फ दिल में ही छेद नहीं था बल्कि उन्हें फेफड़ों की परेशानी भी थी। उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा खून बनने लगता था और यही खून उनके नाक और मुंह से बाहर आता था। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि वह पूरे 9 साल तक बिस्तर पर रही। हालांकि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बावजूद वह 9 साल जीवित रही, लेकिन ये 9 साल उन्होंने अकेले गुजारे। इंडस्ट्री में बेशुमार शोहरत कमाने वाली मधुबाला को देखने भी कोई नहीं आया जाया करता था। उस वक्त बेहद कम लोग ही उनका हाल चाल लेने जाते थे। फिल्मी दुनिया में मधुबाला का सफर बहुत छोटा रहा और उन्होंने 36 साल की उम्र में ही दम तोड़ दिया था। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।